और ये आ गए हम शॉर्टकट मार के सीधे रेलवे स्टेशन के पास। बैंक निफ्टी ने भी हालत खराब करके रखा है। मेन काम भूल गया। हाँ माँ। माँ मेरा दूसरा पार्सल भी आ गया। ये आया तीसरा पार्सल मेरा। और ये आ गया मम्मी का कमिश्नरी। अब बेटा माँ से पूछ रहा है, मम्मी अब उतरोगे कैसे? इतना बॉटल को छुपा के रखने की क्या जरूरत है? कौन चोरी करने आ रहा है तुम्हारा बॉटल? माँ पानी का बॉटल रेडी हो चुका है, जल्दी जल्दी तैयार हो। फिलहाल 9:30 हो रहे हैं, मैं मम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे उठा था, कल तो ज्यादा ब्लॉक किया नहीं मैंने। कल पूरे दिन मैं भूखा ही रहा था, रात को खाना खाने के बाद उसके बाद मैं सो गया था। भूखे पेट क्या ही आदमी ब्लॉक करेगा या कुछ और करेगा। सुबह 6 बजे आज उठा, पापा को छोड़ने गया स्टेशन, उसके बाद बाइक मेरे ही पास है क्योंकि मम्मी को आज बहुत सारा काम है। अभी तो मम्मी को लेके जाऊंगा ऑफिस, ऑफिस से आएगी 4 बजे, उसके बाद मम्मी को लेके जाना है यहाँ कलेक्ट्रिएट। कहाँ ले जाना है माँ तुमको शाम के 4 बजे? तुमको कहाँ लेके जाना है माँ? कमिश्नरी। शाम के 4 बजे मम्मी को स्टेशन से सीधे कमिश्नरी लेके जाएंगे। लेकिन कल जो मैंने पूरे दिन भूखा गुजारा था उसकी वजह से आज मैंने एक सीख ली कि सुबह में बढ़िया नाश्ता कर लो भाई, पता नहीं पूरे दिन का क्या हो। देखिए मम्मी अभी नाश्ता कर रही है, उसके बाद मम्मी ऑफिस निकलेगी। किधर से लेके चलूं? जाने से सामान। तुमको कहां से इजी होगा? सियोर शॉर्ट पड़ा है, बैठो। ठीक है ठीक है बैठो। स्टेशन तो इधर से जाता हूँ पापा को छोड़ने के लिए, लेकिन मम्मी के लिए इधर। चचा थोड़ा साइड में। हाँ फाटक की वजह से मम्मी को ज्यादा डर लगता है कि उसकी ट्रेन छूट जाएगी, इसके लिए मम्मी पीछे से जाती है। रोड के ऊपर इतना बालू गिरा के रखा है कि टर्न करने में भी डर लगता है कहीं चक्का स्लिप ना हो जाए। और अभी तक तो अच्छे रोड मिल रहे थे, अब असली बैटल शुरू होगा जब मैं यहाँ से लेफ्ट ले रहा हूँ। देखिएगा सब रेलवे यार्ड है इधर, उसके पीछे से जा रहे हैं। ये देखिए पहला यहाँ है, प्लेट डाला हुआ है बस, और इधर तो रोड है भी नहीं। ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जय बात आय है। पता नहीं क्यों अच्छे वाले रोड छोड़ करके इधर से लाने के लिए बार बार बोलती है मुझे, और मैं भी ऐसा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं इधर से ले कर आता रहता हूँ कि नहीं लाऊँगा, और फिर मैं मम्मी की बातों में आ जाता हूँ कि चलो इधर से ही लेके जाता हूँ। 1 2 3 4 आगे जो ट्रैक्टर जा रही है उसकी वजह से इतना धूल उड़ रहा है कि चेहरे पे फाउंडेशन हो जाएगा, या तो उचका या फिर खड्डे। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी इधर भी है, ऐसे भी आज मेरे फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आने वाली है। बाप रे बाप, ये ट्रैक्टर वाला कितना धूल उड़ा रहा है। अरे बालू भी उड़ाने लगा भाई, लिटरली मेरे मुंह में ना ऐसे छोटे छोटे कण महसूस कर रहा हूँ मैं। और ये आ गए हम शॉर्टकट मार के सीधे रेलवे स्टेशन के पास। चलो माँ तुम्हारा स्टेशन आ गया, बाय माँ। मम्मी को छोड़ दिया, अब चले घर वापस। आज दादी आने वाली थी कोडरमा से, बट उसने भी डिच कर दिया। मैंने जब फोन करके उससे पूछा तो बोला कि फूफा जी का आज प्लान नहीं है, मूड ऑफ हो गया है। कॉफी बना के पीता हूँ तब थोड़ा मूड एनहेंस होगा। देखो ब्रांड ब्रांड की बात है, मैं ज़्यादा ब्रांड ब्रांड करता नहीं हूँ, मगर एक चीज़ जो कॉफ़ी ये भी है और कॉफ़ी जो नेस्कैफे का मैं पीता हूँ वो भी है, बट मुझे ब्रू का कॉफ़ी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। कभी एसी में भी आपको गर्मी लगी है क्या? अभी मैं एसी ऑन करके बैठा हूँ, बाहर तो गर्मी है तो है ही, लेकिन अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील हो रहा है। मेरा दिल का धड़कन बहुत तेज़ चल रहा है अभी, और पापा का फोन आया, अभी पसीना आ रहा है एसी के अंदर भी, तो पापा का फोन आया। पापा ने कहा कि एक काम करो, नमक और पानी घोल करके पी लो, वो थोड़ा कुछ होगा, कभी कभी बीपी लो हो जाता है। थोड़ा नमक, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत गंदा टेस्ट है, बहुत गंदा, लेकिन देखते हैं कुछ फायदा हो तो। पिछला ऑर्डर भी आप ही देने आए थे ना? नहीं, अच्छा ऐसे इस नाम का जो भी आएगा ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? मार्केट ने तो हालत खराब करके रखा है। इंडेक्स देखिए, आज केवल आपको ग्रीन में दिख रहा है, लेकिन निफ्टी आ गया है 16,467 पे। 2022 के स्टार्टिंग में निफ्टी 18,500 के लगभग में ट्रेड कर रहा था और मार्केट ऊपर 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 ही जा रही थी, मतलब बुल रन था। लेकिन ऐसा पूरा 2022 ऐसे भी एनालिस्ट ने बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा बेरिस रहेगा, इसलिए निफ्टी को देखिए कि अभी अपने जो करेंट मार्केट प्राइस पर चल रहा है, अपने हाई से 2000 पॉइंट नीचे आ चुका है, 16,400 पे ट्रेड कर रहा है यार। बैंक निफ्टी ने भी हालत ख़राब करके रखा है, सिर्फ आज में थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, मगर पोर्टफोलियो एकदम रेड में है, एकदम लॉस में।
इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मम्मी को स्टेशन से लेकर के और जाऊंगा कमिश्नरी। बात तो हुई थी शाम के 4 बजे की, लेकिन मम्मी इस समय बीच दोपहर में ही आ गई। और इस समय भाई साहब गर्मी तो आप जानते ही हो कि दोपहर के 2:30 बजे कितनी ज्यादा रहती है, बट फिर भी जाते हैं स्टेशन लेके आते हैं। भाई साहब सूरज फुल्ली चार्ज्ड है और एकदम डिहाइड्रेट कर देगा, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं उसकी ट्रेन आई है अभी या नहीं आई है, देखते हैं। वहाँ पेड़ के छाए में रुकता हूँ। अरे वाह, जैसे ही अंदर घुसा देख रहा हूँ मम्मी भी आ ही रही है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ट्रेन भी आ गई और मम्मी भी बस मेरे नज़दीक ही पहुँचने वाली है। पूछता हूँ क्या करना चाहती है। ओ शिट, मैं भूल गया वो पॉलीथीन। शिट शिट शिट, अरे माँ भूल गया माँ, अरे माँ एकदम कसम से बता रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं भूला हूँ मैं, गलती से भूल गया मैं एकदम। चलो घर चलते हैं, पहले ले लेते हैं तब वापस आएंगे, ठीक है। पंगा हो गया, मम्मी ने एक फाइल रखा था घर पे और बोला था मुझे कि जब मुझे स्टेशन लेने आओगे इस समय दोपहर में तो वो साथ में लेते आना, इधर से ही चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल निकलते वक्त याद ही नहीं रहा, मेन काम भूल गया। हाँ माँ, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया, अभी जस्ट घर आए हैं, कि थोड़ा खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है लंच करने का। मम्मी भी अभी इतना दूर से थक के आई है तो पहले थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, 1 घंटे बाद निकलेंगे 4 बजे के लगभग। धन्यवाद। एक पार्सल सुबह आया था, दूसरा पार्सल दोपहर में आ गया। माँ मेरा दूसरा पार्सल भी आ गया, खोल के दिखाऊं अभी? पापा को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, नहीं मम्मी को दिखा, लेकिन पापा को भी जबरदस्ती दिखाएंगे शाम को, ठीक है। ये आया तीसरा पार्सल मेरा। तो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं दोबारा से गया शहर में। आज हाईएस्ट 42 डिग्री था और अभी 41 डिग्री है, जबकि टाइम 4:30 हो रहा है। यहाँ देखिए, फील्स लाइक 48 डिग्री, ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा हॉटर महसूस हो रहा है। 48 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है और इस समय 41 डिग्री सेल्सियस है। ये फाटक बंद है, सभी लोग बाइक पीछे टर्न कर रहे हैं, लगता है बहुत देर तक रहेगी क्या। चलो भाई बीच रोड पे रोक के देखो, अरे साइड में करके रोक लो ना यार, बीच रोड पे रोके हुए हो। फाटक बंद होने की वजह से पीछे से जाते हैं, ये पहाड़ है ना रामसीला पहाड़, उसके पीछे से रास्ता है। मेरे घर के पास जो फाटक है, अगर वहां पर भी इस तरह से अंडरग्राउंड भी करके वो सीधा निकाल देते हैं तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी। ये देखिए रेलवे लाइन है ऊपर, नीचे से लोग निकल रहे हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है। दो रेलवे लाइन है ना, एक वो हो गई एक ये हो गई, दोनों के साइड में नीचे में देखिए ऐसे। गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं सोच रही है। जब हम बच्चे थे तब से ही मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का प्रपोजल है, बट अब तो मैं भी बड़ा हो गया, पता नहीं कब फ्लाईओवर बनेगा। और ये आ गया मम्मी का कमिश्नरी, थोड़ी ट्रैफिक मिली मगर हम लोग पहुंच गए। मम्मी को लेकर के सीधे मैं रुकूंगा यहाँ पे कमिश्नर के कार के सामने, मतलब बगल में। ये देखिए कमिश्नर की गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बीच में कमिश्नर की गाड़ी। लेकिन तुम्हारा काम हो गया मैं फटाक से, हो गया ना, चले अब घर। एक काम करता हूँ मैं, कहीं पे रोकता हूँ बाइक को, देखो करेले कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। इस बात से तो हर कोई रिलेट कर पाएगा, जितने भी लड़के हैं, कि अपनी माँ के साथ जब वो मार्केट निकलते हैं तो उनका काम होता है बाइक लेकर के साइड में रुकना, जो मैं कर रहा हूँ। बाइक लेकर के साइड में रुक गया हूँ और मम्मी ये पीछे वाले सब्जी मंडी में पूरा शॉपिंग कर रही है, सब्जियाँ खरीद रही है। मेरे लिए खरीदा है ये तरबूज, कहती है मम्मी कि तुम्हारे लिए कुछ तो कम से कम खरीदूँ। थोड़ा थैंक यू माँ, थैंक यू। उधर आम भी मिल रहा है, थोड़ा आम भी खरीद लो। तो अभी मम्मी वहाँ पे आम खरीद रही है। और गाइज मम्मी के साथ अभी मैं आ गया हूँ, ये है गया का पुरानी गोदाम। यहाँ पर ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो हर समय ऐसी ही भीड़ होती है जैसी अभी दिख रही है। यहाँ पे क्लाइमेट का कोई असर नहीं होता है, लोग ऐसे ही जमे पड़े रहते हैं। बस रोक रहा हूँ मैं, रोक रहा हूँ। ए मम्मी को देख के हो गया पता है क्या, खुद ही को कर बुलंद, इतना चढ़ गया जैसे तैसे। उतार लेना जैसे। अब बेटा माँ से पूछ रहा है मम्मी अब उतरोगे कैसे। वैसे कर ना था वो। लो मैं बाइक झुकाता हूँ, उतर जाना, ठीक है। झोला लेके लिया, लेकिन सब्जी खरीदने का पूरा मन था। चलो उतर गई।